इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे पीछे तमाम बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। आप ये बड़ी संख्या में आप भीड़ भी देख सकते हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीजेपी विधायक गणेश नाइक का ये जो जन आंदोलन है वो इन्हें कितना प्रभावित कर रहा है या कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। संबल सवाले साहब के वार्ड में ये ब्रिज बन रहा है, जिस ब्रिज को जिस प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की जा रही है, कितना जरूरी मानते हैं कि वहाँ पर वो ब्रिज बनना चाहिए। देखो नवम्बर महापालिका ने जो 250 करोड़ से 370 करोड़ का जो ब्रिज का काम करने का चालू किया है, वर्क ऑर्डर भी दिया है, ये हमको नहीं चाहिए। क्योंकि हर एक रोड इधर का 40 फुट में 80 फुट रोड है, अभी इधर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। 2-3 मिनट में यहाँ से औरंगा कॉर्नर तक लोग सब जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 250 करोड़ का 350 करोड़ तक 100-150 करोड़ का जो घपला कर रहा है। इसीलिए हमने पहला कि लुटारों को भगाओ, नवम्बर बचाओ, ये नायक साहब के माध्यम से हमने आज से जब चालू किया है। दूसरा एक है बायोगैस, सेक्टर 17 के शिवरेज प्लांट है, उसके बाजू में जो प्लॉट है महापालिका के, उसमें से बायोगैस प्लांट, बायोगैस बोलेगा तो उधर छोटा सा मिनी डंपिंग ग्राउंड आने वाला है, और वो डंपिंग ग्राउंड उधर आएगा तो पूरा वाशी तुरबा सानपाड़ा इधर बहुत खुशबू बदबू आने वाली है कि कोई भी कचरा आएगा उधर वो सड़ेला कचरा आने वाला है। इसीलिए उधर का भी उधर से भी वो हटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हो और करेगा ही, और जो समझो उधर घाटा मुझे उधर होगा ही, वो जन आंदोलन बहुत बड़े से वाशी नगर से उधर जन आंदोलन होने वाला है। वैसे तो पानी तापे साहब ने बोला कि पानी का चोरी है, वो प्लॉट का चोरी है, हर जगह जो महापालिका ने हम लोगों ने जो पैसा बचा के रखा है वो पैसा लूटने का काम अभी चालू है। मतलब हर जगह पैसा लूटने का काम चला। आप जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त गणेश नाइक जी खुद आ गए हैं और यहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। लॉन्ग मार्च यहाँ से उस औरंगा कॉर्नर तक जाएगा जहाँ पर वो ब्रिज बनने वाला है, जहाँ पर वो बड़ा प्रोजेक्ट है जो 352 करोड़ का, और इसीलिए ये विरोध चल रहा है बीजेपी का। आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पर गणेश नाइक के नेतृत्व में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नागरिक यहाँ पे जमा है वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गैर जरूरी विकास प्रकल्पों के नाम पर जो सत्ताधारियों की लूट चल रही है, ये आरोप लगाते हुए इन कार्यों को बंद करने की मांग की गई, और नवम्बर को बचाओ और लूट को रोको, ये उन्होंने नारा दिया है। अब देखते हैं कि इसका कितना असर पड़ता है। हालांकि सत्ताधारियों ने अपनी तरफ से खुलासा किया कि जो ब्रिज बन रहा है वो कहीं ना कहीं 2-4 साल पहले, 10 साल पहले का ये जो प्रोजेक्ट था उसको किया गया है, और इसलिए उन गैर जरूरी प्रोजेक्ट के नाम पर जो लूट चले उस लूट को रोकने की एक कोशिश ये इस जन आंदोलन के जरिए होने वाली है। अब देखना है कि इसका सत्ताधारी सरकार पर और महानगर पालिका प्रशासन पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 India, नवम्बई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।